हेलो, आई एम दिव्या। आई एम फ्रॉम टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेकेंड टाइप ऑफ लूप, दैट इज द फॉर लूप। सो इससे प्रीवियस वीडियो में पहले आपको प्रीफर करूंगी कि अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख ली, वहां आपको जानने को मिलेगा व्हाट इज लूप एंड व्हाट इज व्हाइल लूप, कैसे हम यूज करते हैं, कैसे उसका प्रोसेस होता है लूपिंग स्टेटमेंट में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे किसी भी एक स्टेटमेंट को जब हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना होता है तो हम लूपिंग का यूज करते हैं। किसी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को जब मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो या फिर किसी एक लाइन के स्टेटमेंट को, तो आप उसको लूप के अंदर रख सकते हैं। पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम लूप का यूज कर रहे हैं तो प्रोसेस कैसे होगा, लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे आउटपुट की तरफ हम जाएंगे। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। फॉर लूप इज द इजीएस्ट लूप, इज द इजीएस्ट लूप ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट्स। इटरेशन स्टेटमेंट, इटरेट करने का मतलब होता है कि बार बार एग्जीक्यूट करना, तो लूपिंग में वही काम होता है, बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि फॉर लूप इज ऑल्सो यूज टू एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट मतलब कितने भी लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है मल्टीपल टाइम। जितनी बार आपको एग्जीक्यूट करना हो उतनी बार आप लूप लगा सकते हैं, बट कितने टाइम, मल्टीपल टाइम तो हो गया पर कितने टाइम। सो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा ये बताएगा कंडीशन। अनटिल द कंडीशन इज बीइंग फॉल्स, तब तक आपका लूप जो होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो इसका सिंटैक्स हमें समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम फॉर यूज करते हैं तो इसके ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर तीन अलग अलग चीजें डिफाइन की जाती हैं जो सेमी कॉलन से सेपरेट की जाती है। द फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है लूप स्टार्ट कहां से होगा। व्हाइल लूप में जब हमने देखा था तो देखा था कि व्हाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन ही होता है, बट यहां फॉर के अंदर तीन चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, सेमी कॉलन, दूसरा जो होता है वो कंडीशन, सेमी कॉलन, एंड नेक्स्ट होता है अपडेशन। यहां पे फिक्स है कि सबसे पहला जो होगा इनिशियलाइजेशन ही होगा, दूसरा आप लिखोगे कंडीशन ही होगा, तीसरा अपडेशन होगा, नेक्स्ट हमने कैलिब्रेशन लगाया और यहां पे इसके बीच में हम लिखते थे स्टेटमेंट। यहां हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स। बट एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ये हमने लिख तो दिया पर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए आपको एग्जाम्पल्स प्रोग्रामिंग में समझना बहुत जरूरी है। विदाउट एग्जाम्पल थ्योरेटिकल पार्ट्स डज नॉट मैटर, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लें तो क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, आपको समझ नहीं आएंगे। सो अगर इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है आपने शुरू कहां से किया। हमने सपोज एक वेरिएबल बना लिया है आई, जिसको हमने शुरू किया वन से। हम इसको लेके गए कहां तक, इक्वल्स, तो अनटिल कब तक हमें ले जाना है, अप टू फाइव। वन से अप टू फाइव अगर हम जाएं तो बीच में हमें 1, 2, 3, 4 और 5 सब मिलेगा। तो हम 1 से लेके 5 तक गए और अगर आपको 5 तक जाना है देन यू हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 हमने एग्जीक्यूट किया, हमने लिख दिया i++। भाई आपने अगर फ्रॉम 1 एग्जीक्यूट किया तो ये लूप आपका, जो भी आप इसके बीच में स्टेटमेंट लिखेंगे वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार, 5 बार। क्योंकि हम 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, बीच में हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। बट अगर सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया i = i+2, फिर ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ओनली 3 टाइम्स। कब, एक बार 1 सबसे फर्स्ट होगा तो एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो होगा वो हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 2 स्टेप आगे बढ़ गया, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 5 तब एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब जब फिर एग्जीक्यूट होने आएगा तो आई की वैल्यू हो गई रहेगी 7, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा i = i+1, इसके बीच में हम लिखेंगे स्टेटमेंट। दैट इज द इनिशियलाइजेशन, दैट इज द कंडीशन जो बताएगा कहां तक जाएगा। ये सिर्फ इतना बताएगा कि लूप को रोकना कहां पे है, और यह है अपडेशन कि अगर आपको 1 से लेके 5 तक जाना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आप वहां तक पहुंच पाए, तो दैट इज द पॉइंट। अब इसका नेक्स्ट जो हमें समझना इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे एग्जीक्यूट होगा। सो एग्जीक्यूट होगा, इसमें सबसे फर्स्ट जो होगा, आप
देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे फर्स्ट होगा प्रोग्राम की का स्टार्टिंग पॉइंट। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद जो नेक्स्ट इसमें टास्क परफॉर्म होगा वो ये होगा कि स्टार्ट हुआ उसके बाद इनिशियलाइज होगा, वैल्यू जो है उसका इनिशियलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका टास्क होने वाला है वो है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है वो ये है कि यह है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे आपने कंडीशन लिखी है, सबसे पहले आपने वैल्यू दिया वो इनिशियलाइज हो गई, फिर आपने कंडीशन लिखी। कंडीशन के चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू होते ही आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स बहुत सारे हैं वो स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट होगा वो वैल्यू अपडेट होगी। जब आप अगर आप अपने पर्सनल नीड के लिए सी पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे फ्लो चार्ट आपको कॉन्सेप्ट समझने में यूज करेगा। अगर आप अपने एकेडमिक सेशंस के लिए सी पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे फ्लो चार्ट आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। तो फ्लो चार्ट दिखाता है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हमें फ्लो पता है, और जिसको फ्लो पता है वो आसानी से कर ले जाएगा। सो अपडेशन होगा, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। कैसे एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट हुआ प्रोग्राम फर्स्टली, सेकेंडली आपकी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, जैसे आई में चला गया वन, सिर्फ एक बार इनिशियलाइजेशन वाला जो लाइन है सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। आई में चला गया वन, चेक करेगा कि आपने जो ये कंडीशन लगाई है क्या ये कंडीशन अभी जो आई की वैल्यू है उसके लिए सही है, तो सही है क्योंकि आई की वैल्यू अभी वन है और वन फाइव से छोटा है, तो ये सही है। सही है, यहाँ पे कंडीशन सही हो गई, इसका मतलब जो दूसरा हुआ वो कंडीशन चेक हुआ। If the given condition is true, अगर आपकी ये दी हुई कंडीशन सही हुई, then the block will be executed from the curly braces opening to the curly braces ending तक के बीच में हमने जो कुछ लिखा है सब कुछ execute होगा, सब कुछ process होगा। तो अगर true है then statement will execute। और statement के execute होने के बाद जब यहां आया ये curly braces की closing पे, तो भाई ये loop है, loop में जब भी कर्ली ब्रेसेस की क्लोजिंग पे आता है तो वापस ये लूप के पास जाता है, खत्म नहीं हो जाता है। तो कर्ली ब्रेसेस की यहाँ पे फिर ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा वो होगा अपडेशन। नेक्स्ट जो होगा वो होगा अपडेशन। तो आपका अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फर्स्ट ये होगा और सेकेंड ये स्टेप भी आपका एग्जीक्यूट होगा, अपडेट होगी वैल्यू। अपडेट होने के बाद क्या होगी, क्या फिर से यहाँ शुरू पे चला जाएगा, क्या फिर से वैल्यू आई की वैल्यू वन हो जाएगी, नहीं आई की वैल्यू वन नहीं होगी, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। अपडेट होने के बाद वापस जो होगा ये कहाँ जाएगा, कंडीशन के चेक होने पे। अगर कंडीशन फिर से चेक होगी, अगर फिर से ये कंडीशन आई की वैल्यू अपडेट हो गई तो अब क्या हो गई, आई की वैल्यू अपडेट हो गई तो ये हो गई टू, क्योंकि पहले वन थी अब एक और बढ़ गई तो भाई हो गई ट्रू। यहाँ पे फिर से चेक हुआ क्या टू भी फाइव से छोटा है, तो हाँ छोटा है, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, अपडेट हुआ, और अपडेट होने के बाद फिर वापस यहाँ चला गया, फिर से आपकी वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हुआ तो हो गई थ्री, और थ्री होने के बाद फिर से कंडीशन चेक हुआ, स्टेटमेंट हुआ, फिर से अपडेट हुआ, फिर से कंडीशन चेक हुआ। तो इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, फिर पहली बार इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुआ, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर अपडेट हुआ, कंडीशन चेक हुआ, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर अपडेट हुआ, कंडीशन चेक हुआ, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। एंड इफ द गिवन कंडीशन इज बीइंग फॉल्स, इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, अगर गिवन कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधे ये स्टेटमेंट के बाहर जो लाइन आपने लिखी है वहां पे चला आएगा। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम का हेल्प लेते हैं जहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हाउ द एक्चुअली प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट एक फाइल बना ली एंड हमने इसे सेव किया। सो हमने यहाँ पे लिखा stdio.h एंड द हेडर फाइल विल बी इंक्लूडेड एंड दैट इज द coding.h। नेक्स्ट द मेन फंक्शन दैट इज मेन एंड
ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक में सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया। भाई आपको अगर फॉर लूप के अंदर कोई भी वेरिएबल लिखना है देन फर्स्टली यू हैव टू इनिशियलाइज, सॉरी फर्स्टली यू हैव टू डिक्लेयर द वैल्यू, डिक्लेयर द वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल, हमने शुरू किया आई की वैल्यू को, हमने शुरू किया फ्रॉम वन, हम लेके गए आई की वैल्यू को टू द फाइव, अप टू फाइव, और हर बार अप टू फाइव के लिए हमने आई की वैल्यू को एक से इंक्रीज किया। स्टेटमेंट के तौर पे हमने सिर्फ एक लाइन का एक स्टेटमेंट लिख दिया, हमने लिखा हेलो, और हर बार प्रिंट होने के बाद एक नई लाइन पे आ जाए, नहीं तो हेलो 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 एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। सो हमने इस प्रोग्राम को सेव किया एंड सेव हो गया। नेक्स्ट हम इसको एग्जीक्यूट कंपाइल करेंगे और हम चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रही है, बिकॉज इसमें बिना कंपाइल किए हुए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, देन एरर्स इज जीरो। और यहां पे हमने रन कराया, रन आप कराएंगे तो इसमें स्टेटमेंट पांच बार हेलो प्रिंट हुआ। क्यों पांच बार हेलो प्रिंट हुआ हम देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हुई, वन हुई, वन हुई, यहाँ पे चेक हुआ आई की वैल्यू क्या है, अभी वन है तो चेक हुआ वन, वन से फाइव बड़ा है, हाँ बड़ा है। कंडीशन सिर्फ इतना बताता है कि ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, आपने जो कहा वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू वन है तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू हुई मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और स्टेटमेंट में आपने एक लाइन का बस हेलो लिख के न्यू लाइन पे कर दिया है तो हेलो प्रिंट हो गया। फिर यहां आया हेलो के बाद, अब कर्ली ब्रेसेस बंद है तो कर्ली ब्रेसेस बंद है, लेकिन ये लूप का कर्ली ब्रेसेस है तो ये वापस कहां जाएगा, यहां अपडेशन पे। तो पहले आई की वैल्यू वन थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो गई टू। आई की वैल्यू टू हो गई, फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या आई की वैल्यू टू के लिए आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो आई की वैल्यू टू के लिए भी हमने कहा है कि अभी भी फाइव से छोटा होना चाहिए, फाइव से छोटा है, सो ऑफकोर्स यहाँ पे फिर से हेलो जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, फिर से वापस यहां जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री। कंडीशन चेक करेगा थ्री इज लेस देन आर इक्वल्स टू फाइव, तो हाँ सही है, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर से फोर के लिए भी कंडीशन ट्रू होगा, फाइव के लिए भी कंडीशन ट्रू होगा, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। टोटल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया फाइव टाइम्स। जब छठवीं बार आई का वैल्यू प्लस वन होके सिक्स हो जाएगा तो यहां हम कह रहे हैं कि सिक्स, क्योंकि आई की वैल्यू अभी सिक्स है, सो सिक्स इज लेस देन फाइव, नहीं ये कहना गलत है। सो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई सीधे ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। सपोज अगर हम यहां पे भी एक स्टेटमेंट लिख दें एंडिंग, तो आप समझ सकते हैं कि एंडिंग कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एंडिंग कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, और एंडिंग से पहले क्या एग्जीक्यूट होगा। सो एंडिंग से पहले लूप चल रहा है, इसलिए लूप के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट पांच बार एग्जीक्यूट होगा, हेलो पांच बार प्रिंट होगा, आफ्टर दैट एंडिंग एक बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट्स आई हैं, हमने एक लाइन में इसको लिखा है तो ये एक लाइन का स्टेटमेंट है, एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार आपको इसका आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है। बट वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी आज कि इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें हम अपने चैनल पे देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ स्टडी मटेरियल्स या वीडियोस बनाते रहे हैं, बट इसके बाद हम टेक्नोलॉजी वाइज आपको ये भी बताएंगे कि किस टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और वो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी, एंड थर्ड जो होगा वो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी देने वाले हैं अपने इस चैनल पे कि किस टेक्नोलॉजी में आप कौन कौन सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किस तरीके का ऐप या किस तरीके का वेब ऐप आप डेवलप कर सकते हैं, और उसके लिए क्या प्रोसेस होगा स्टार्टिंग टू द एंडिंग। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक अपडेट्स मिल पाए। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अगर आईटी से जुड़े हुए हैं सो वी विश कि ज्यादातर लोग हमसे जुड़ पाए और ज्यादातर लोग आईटी से प्रेरित हो पाए। सो थैंक यू सो मच।